हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शाली। फ्रेंड्स, अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए और आपको कोई नाश्ता गर्मा गर्म तैयार करना है तो मैं आज आप लोगों को 4-5 मिनट में बहुत ही क्रिस्पी सिर्फ दो चीजों से नाश्ता बनाना सिखाऊंगी। अगर ये नाश्ता पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सिर्फ दो चीजों से 4-5 मिनट में नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल पोहा लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हम खूब अच्छी तरीके से धो लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पानी डालते हैं और उसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। फिर जो भी इसका गंदा पानी है वो हम निकाल लेते हैं। एक दूसरे बाउल में इसका हम गंदा पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें दोबारा से पानी डालते हैं और फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हैं और फिर इसे हम छन्नी में छान लेते हैं ताकि इसका सारा पानी हमारा निकल जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए, उसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छी तरीके से पानी से एक बार धो लेते हैं छन्नी में ही और फिर इसे 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए। और देखिए, हमारे पानी बिल्कुल पोहा में से निकल गया, थोड़े सूख गए हैं। तो अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से मैश करते हैं। खूब अच्छी तरीके से, बहुत एकदम हाथों की मदद से इसे हमें मैश करना होता है। ये देखिए, हमने पोहे को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं मैश किए हुए उबले आलू। ये हमने आलू लिए हैं, इसे हमने उबाल के मैश कर लिया है और इसे इसमें डाल देते हैं और थोड़ा मिक्स करते हैं। अब हम पहले इसमें मसाले डाल लेते हैं, फिर इन्हें अच्छी तरीके से हम इन्हें मिक्स करेंगे। पहले हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, फिर हम इसमें जीरा डालते हैं और इसके बाद हम इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल मैश करते हो। अगर आपको आलू की कोई गुठली दिख रही है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल हाथों को एकदम मसल मसल के हमने इन्हें मैश कर लिया है। ये बिल्कुल हमारी जो है पोहा, ये आलू का जो स्नैक्स है जो 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, उसके लिए रेडी हो चुका है। जैसे आपके घर में अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इसे बना सकते हो। जैसे पोहा का स्नैक्स है तो एकदम क्रिस्पी बनके आता है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसकी एक एक थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और इसे गोल गोल जो भी शेप आप देना चाहें। हमने इसे एक तरीके से टिक्की की शेप दी है, इस तरीके से हम बनाते जाते हैं। और आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं इसे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगा, एक बार आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे भी शेप दे दी है। इधर हमने ये देखिए ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है हम इन सारी को बना के रख लेते हैं शेप देते हुए। ये सब तैयार है। जब हमारा ऑयल तेज गर्म हो जाए, इन्हें हमें तेज गर्म ऑयल में ही डीप फ्राई करना होता है। अगर आपका ऑयल हल्का सा भी कम गर्म होगा तो ये सारे फट जाएंगे और आपके अच्छे से ये स्नैक्स बन के नहीं होगा। तो इसलिए तेज गरम ऑयल में ही आप इन्हें डीप फ्राई के लिए डालें। और जब ये हल्के, और इन्हें आप तुरंत मत पलटिएगा, जब ये हल्के सिकने लग जाए तभी आप इन्हें पलटिएगा, नहीं तो ये फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन्हें हल्का आप सिकने दीजिए। जब ये हल्के से सिकने लग जाए तो इन्हें पलट पलट के क्रिस्पी होने तक हमें डीप फ्राई करना होता है। जैसे कि ये देखिए, आप हल्के हल्के हमारे ये हल्के ये सिकने को आ रहे हैं। तो अब हम इन्हें बहुत हल्के हाथों से पलटते जाते हैं। ऐसे करके हम सारे ये अपने पलट लेते हैं एक बार और इसे दूसरी तरफ से भी एक बार सिकने देते हैं हल्का सा। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना होता है। अब हम गैस जो है थोड़ी मीडियम या फिर सिमी कर देते हैं ताकि ये अंदर तक भी क्रिस्पी बन के आते हैं। और मध्यम गैस पे इन्हें अच्छी तरीके से हम सेक लेते हैं। ये देखिए आप, जैसे कि हमारे काफ़ी डीप फ्राई हो गए हैं, हमारा बिल्कुल तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी बन के आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये हमने सारे इसी तरीके से निकाल लिए। अब हमारा जैसे कि ऑयल थोड़ा कम गर्म हो गया था हमने, तो हमने थोड़ा सा दोबारा से तेज गर्म करके इन्हें डीप फ्राई दोबारा हम बाकी बचे जो हैं वो डीप फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से जैसे हमने पहले किए थे। पहले तेज गर्म ऑयल पे हल्का इसे डीप फ्राई होने देंगे, जब ये हल्के सिकने आ जाए तो मध्यम गैस करके इन्हें पलट पलट के डीप फ्राई कर लेते हैं। ये भी हमारे डीप फ्राई हो गए, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारा ये पोहा आलू का स्नैक्स बन के तैयार है, इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ता पसंद आया हो तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।